झारखंड के स्वतंत्र पत्रकार रुपेश कुमार सिंह 17 जुलाई से जेल में बंद हैं। रुपेश 2012 से लगातार आदिवासियों से जुड़ी खबरों को कवर करते रहे हैं। रुपेश कौन हैं, उन पर क्या इल्जाम लगे हैं और क्या ये उनकी पत्रकारिता को दबाने की कोशिश है, हम बताएंगे आपको न्यूज क्लिक के इस वीडियो में। 17 जुलाई की सुबह सरायकेला खरसावां पुलिस रुपेश कुमार सिंह के रामगढ़ स्थित घर में सर्च वारंट लेकर आई। पुलिस ने दोपहर 1 बजे तक घर की तलाशी ली और आखिर में उन्हें अरेस्ट वारंट दिखाकर हिरासत में ले लिया गया। रुपेश फिलहाल सरायकेला जेल में ही बंद हैं। आपको बता दें कि रुपेश कुमार का नाम पेगासस जासूसी कांड के दौरान बाहर आई उस लिस्ट के लोगों में भी था जिनकी सरकार द्वारा कथित जासूसी करवाई जा रही थी। रुपेश पेगासस कांड में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं में से भी एक हैं। रुपेश की गिरफ्तारी जिस मामले के तहत हुई है वो FIR नवंबर 2021 की है। FIR नंबर 67/21 में रुपेश को IPC की धाराओं 420, 467, 468 और 471, UAPA की धाराओं 10 और 13 और क्रिमिनल लॉ संशोधन की धारा 17 के तहत नामजद किया गया है। पुलिस की जब्ती सूची के मुताबिक रुपेश के घर से 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, 1 बेडशीट, उनकी पत्नी इप्सा सताक्षी के नाम पर रजिस्टर्ड कार्ड की डिटेल इनवॉइस, 1 बाइक के कागजात, 1 पुरानी कॉपी और 1 नोटबुक जब्त की गई है। इसी FIR नंबर 67/21 के तहत CPI माओवादी के नेता प्रशांत बोस को भी गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि रुपेश ने आदिवासियों से जुड़े मुद्दों, आदिवासियों पर होते सरकारी दमन पर लगातार लिखा है और बोला भी है। रुपेश ने हाल ही में झारखंड के गिरडीह में औद्योगिक प्रदूषण से बेहाल जनता पर एक रिपोर्ट की थी जिसे काफी देखा गया है। रुपेश की पत्नी और साथियों का कहना है कि झारखंड सरकार और पुलिस रुपेश की पत्रकारिता से डर रही है। रुपेश की पत्नी इप्सा सताक्षी लेक्चरर हैं। हमने उनसे रुपेश की गिरफ्तारी और उनकी पत्रकारिता पर बात की। उनको रविवार को यहाँ घर से 1:40 पर गिरफ्तार किया जाता है। सोमवार को उनको 5:30 जेल भेजा जा रहा है और अगले दिन फिर मंगलवार को फिर पता चलता है कि उन्हें पुलिस रिमांड पे ले लिया गया है। मैं बकायदा उनसे पूछताछ, वो रामगढ़ से निकलने के बाद उनको रांची के SIB ऑफिस में ले जाकर उनसे पूछताछ की जाती है। और फिर आखिर ऐसा क्या है कि उनको आप मतलब कि जैसे जेल में डालते हो फिर अगले दिन फिर आप रिमांड पे ले लेते हो। अभी तो पुलिस बता रही है कि 4 दिन की रिमांड पर है, पर पता नहीं ये रिमांड अब इतना ही रहेगा या आगे रहेगा। और पुलिस रिमांड में किसी के साथ क्या होता है ये सब लोग जानते हैं। रुपेश कुमार सिंह को UAPA के तहत ही 2019 में भी गिरफ्तार किया गया था, मगर उस मामले में पुलिस चार्जशीट दायर नहीं कर पाई और उन्हें 2019 में रिहा कर दिया गया। उस दौरान रुपेश ने जेल प्रणाली की क्रूरता पर एक किताब लिखी थी। रुपेश की इस जेल डायरी का नाम था कैद खाने का आईना। इप्सा बताती हैं कि रुपेश को अंडा सेल में रखा गया है। उसी अंडा सेल के बाकी 4 कमरों में जो कैदी हैं उनको हेपेटाइटिस बी, लेप्रोसी और TB जैसी बीमारियां हैं। इप्सा ने यह भी बताया कि पिछली बार जब रुपेश को गिरफ्तार किया गया था तब पुलिस ने उन्हें सोने नहीं दिया था। इप्सा के मुताबिक उन्हें मेंटली टॉर्चर करने के लिए जगाकर रखा गया था। पिछले बार जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उनके साथ फिजिकली कुछ नहीं किया गया था, लेकिन उन्हें सोने नहीं दिया गया था, मतलब मेंटल टॉर्चर बहुत ज्यादा किया गया था। दिन रात पूछते रहना कि रुपेश जैसी जो पत्रकारिता, रुपेश जैसे पत्रकार जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं वो हम देख सकते हैं कि उंगली पर गिनकर वैसे लोग हैं। इनके पत्रकारिता जो रही है हमेशा वो मूल समस्याओं पर रही है, जैसे कि एक हमारे पास जो हमने जो पिछली बार भी इनको इस तरह के आरोप को लगाकर फ्रेम किया गया था और उनको जेल में रखा गया था, लेकिन 6 महीने बाद भी डायरी वो सबमिट नहीं कर पाए थे, चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाए थे, इसके बाद उनको डिफॉल्ट बेल मिल गया था। झारखंड जैसे जगहों पर खास करके यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है तो इनकी लूट भी है। इस लूट के लिए समय समय पर सरकार जो है वो MOU साइन करती रहती है बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ, और क्यों करती है ये आपसे हमसे कभी किसी से छुपा नहीं है। वो सिर्फ अपने जो भी कमीशन है वो मिलता है उनको, अपनी गद्दे बचाए रखने के लिए करते हैं। रुपेश जैसे लोग जो जमीनी पत्रकारिता करते हैं, जो जमीनी लड़ाई के मुद्दों को उठाते हैं कि कैसे जमीन हड़पने के लिए सिर्फ आदिवासियों को नक्सली बोल के मार दिया जाता है या फिर उसका आड़ लेके कि फर्जी मुठभेड़ कर दिए जाते हैं, इसमें ताजा उदाहरण हम 2 देखेंगे। एक हम देखेंगे रांची के कुटी में रोशन होरू की हत्या की गई। उनको भी यही बताया गया कि एक माओवादी था, भाग रहा था। बाद में पुलिस ने खुद इस बात को स्वीकारा कि वह एक आम नागरिक था। एक ब्रह्मदेव सिंह की हत्या की गई, 10 महीने का बच्चा था उसका, छोटा। बाद में उसकी हत्या पर भी
सीआरपीएफ के जो मतलब जो उनके फोर्स के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये मानवीय भूल थी। तो इस तरह की घटनाएं झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है, जहाँ उन जंगलों पे, पहाड़ों पे अभी भी आदिवासी उसको बचाए हुए हैं, जो इस मुद्दे को सामने लाते हैं, जो लिखते हैं, बोलते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, उनसे सरकार खुन्नस खाती है। रुपेश जो है और विस्थापन के मुद्दे पर भी खुलकर लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं, जमीनी मुद्दे पर बोलते रहे हैं, और जो सीआरपीएफ कैंप जो लगाए जा रहे हैं जगह जगह पे, तो इसके खिलाफ भी वो लगातार कहीं भी अगर प्लेटफॉर्म मिला है तो बोले हैं, और उनकी लेखनी हमेशा इसी मुद्दे पर रही है। तो इससे सरकार को डर है, बहुत ज्यादा डर है। इप्सा यही मांग कर रही हैं कि पुलिस उनके साथ किसी तरह का टॉर्चर ना करे। पत्रकारिता पर दमन की बात करें तो 2021 में कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की एक रिपोर्ट में आई थी, जिसमें बताया गया था कि पत्रकारों पर उनके काम की वजह से सबसे ज्यादा जो हमले हैं वो भारत में होते हैं। इसी बीच मानसून सत्र के दूसरे दिन गृह मंत्रालय ने संसद में ये कह दिया है कि सरकार के पास गिरफ्तार किए जा रहे पत्रकारों का कोई आंकड़ा नहीं होता। बीएचयू से लेकर झारखंड तक कई संगठन के लोग रुपेश के समर्थन में आए हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए देखते रहिए newsclick.in और हमको फॉलो कीजिए YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। शुक्रिया।